सेल होंगे, सेल होंगे तो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारे गुड्स सेल के अलावा किसी और वजह से गुड्स आउट होते हैं हमारे बिजनेस से, तो उस केस में हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है गुड्स हमने चैरिटी में दिए हैं, या फिर ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर 3 एंट्रीज कल की थी, इम्पॉर्टेंट एंट्रीज है हमारी। जब भी हम गुड्स ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑनर यहाँ पर रिसीवर है, और हमने कौन से अकाउंट क्रेडिट किया है, परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये गुड्स सेल नहीं किए हैं, गुड्स सेल होने के अलावा किसी और वजह से हमारे बिजनेस से आउट हुए हैं। सेकंड, हमने यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ पर ना फ्री सैंपल्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, और परचेज अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हमने चैरिटी में गुड्स दिए थे, तो यहाँ पर भी हमने चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सिंपल ये एंट्री पास की थी। ठीक है, ला नेक्स्ट हमारी यहाँ पर थी, क्या था नेक्स्ट एंट्री हमारी, नेक्स्ट लिखा हुआ है टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 5,000, एज्यूम दैट द फर्म इज टिम्बर मर्चेंट। देखो, ये अच्छी एंट्री है हमारी। देखो, हमने बताया, मुझे एक बात बताओ पहले, तुम ही लोग, जब हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए ये चीजें गुड्स हैं, गुड्स हमारे लिए क्या चीजें होती हैं? क्या गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में कुछ डिफरेंस होता है? यस मैम। हाँ बोलो, क्या डिफरेंस होता है? मैम, एक तो यही डिफरेंस होता है कि गुड्स आप 1 साल में बेसिकली डेबिट या क्रेडिट कर सकते हो, और फिक्स्ड एसेट 1 साल से ज्यादा रहते हैं। थोड़ा बहुत सही है, मतलब हम बिल्कुल एग्जैक्ट ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। मैम फिक्स एसेट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट हाँ ठीक है, और गुड्स हमारा क्या है? स्टॉक है। स्टॉक क्या मतलब, जब तक वो हमारे पास है इसलिए हम उसको स्टॉक बोलते हैं। लेकिन गुड्स, हम किन चीजों को गुड्स बोलते हैं, जिनको हमें, अगर हम इनको परचेज कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि इनको हमें फर्दर सेल भी करना है। लेकिन जो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं वो हमें फर्दर सेल करने के पर्पस से नहीं खरीदे हैं, हमें किसी मजबूरी में सेल करने पड़ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन हमने, हमारा पर्पस इनको सेल करना नहीं था, इनकी हेल्प से बिजनेस करना था। तो फिक्स्ड एसेट्स अलग चीज हो गई और गुड्स हमारे लिए अलग चीज हो गई, बिल्कुल। तो देखो, जब भी दोनों में एक डिफरेंस हमें बताना होगा, जैसे कि सानवी अभी तुमने बोला कि इसको हम 1 ईयर में डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं, ये जो लाइनिंग्स हैं, ये हम, ये वाली लाइन हम मतलब जो मैंने डिफरेंस बताया उसके बाद तुम और अच्छे से उसको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए, उन चीजों को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकती हो, ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें ये वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करने हैं जो हमने, जो तुमने अभी बोले हैं कि डेबिट या क्रेडिट 1 साल में कर लेंगे, इसको हम नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मेरा फिक्स एसेट डैमेज हो गया तो मुझे तो उसको सेल करना पड़ जाएगा, तो मुझे तो उसको क्रेडिट भी करना पड़ सकता है विद इन 1 ईयर, मतलब मजबूरी में तो मुझे ये कभी भी सेल करना पड़ सकता है ना, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन हमने जो इनको परचेज किया था वो सेल करने के पर्पस से परचेज नहीं किया था। तो गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में हमारा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं जब भी हम उनको सेल करेंगे। लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो हमेशा हम उस एसेट के नाम से उसको डेबिट करेंगे। मान लेते हैं हमने एक मशीन परचेज की, तो हम अकाउंट क्या एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने कैश में परचेज की होगी तो कैश अकाउंट, किसी से उधार में परचेज की होगी तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा, उस सेलर का हमारा नाम आ जाएगा, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि एक ऑनर, एक बिजनेस जो जिस किसी का बिजनेस था वो एक टिम्बर मर्चेंट था। क्या था? टिम्बर मर्चेंट। टिम्बर क्या होता है जानते हो? टिम्बर एक टाइप ऑफ वुड है,
टिम्बर एक टाइप ऑफ वुड है, एक तरीके की, जैसे शीशम की होती है वुड. मतलब उसका जो बिजनेस था वो इसी चीज का था. वो ये टिम्बर वगैरह खरीदता था और इनको ही फर्दर सेल करता था. तो एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल किसी बिजनेस की बात करती हूँ, तो हमारे लिए जैसे मैंने मान लिया मशीन परचेज की, तो मेरे लिए मशीन एक तरीके का फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम टीचिंग करना है. अगर मान लेते हैं मैंने लैपटॉप परचेज किया है, या मैंने ये राइटिंग पैड परचेज किया है लिखने के लिए, ये मेरे लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे लिए यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है. लेकिन अगर मानकर चलो कि मेरा बिजनेस ही इस चीज का है कि मैं लैपटॉप खरीदती हूँ और उसको फिर आगे सेल कर देती हूँ, मेरा बिजनेस ही परचेज सेल करने का क्या है, लैपटॉप परचेज करना या सेल करना है, या ये राइटिंग पैड परचेज करना या सेल करना है, तो उस केस में जब भी मैं ये लैपटॉप या राइटिंग पैड परचेज करूंगी, तो मैं उनके नाम से डेबिट नहीं करूंगी, उस केस में वो मेरे लिए गुड्स बन जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट करूंगी. समझ रहे हो, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक तुम्हें ध्यान रखनी है. ऐसे ही यहाँ पर हमारा देखो क्या हुआ, एक टिम्बर मर्चेंट था. टिम्बर मर्चेंट क्या काम कर रहा था, उसका काम क्या था, टिम्बर खरीदना और उसको आगे सेल कर देना. लेकिन देखो, टिम्बर की हेल्प से हम फर्नीचर बना सकते हैं, टिम्बर की हेल्प से हम फर्नीचर बना सकते हैं, मतलब ये एक टाइप ऑफ वुड है. तो इस मर्चेंट ने क्या काम किया, इस टिम्बर को अपने ही ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर लिया. मीन्स उसने अपने गुड्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू फिक्स्ड एसेट. अगर उसने टिम्बर से फर्नीचर बनाया, तो उसने क्या किया, अपने गुड्स को कन्वर्ट किया इनटू फिक्स्ड एसेट. अब फर्नीचर तो उसके लिए फिक्स्ड एसेट बन गया ना, फर्नीचर तो उसे सेल नहीं करना है, वो तो टिम्बर मर्चेंट था, वो तो टिम्बर परचेज करता था और सेल करता था. अगर उसने उस टिम्बर को यूज करके अपने ऑफिस का फर्नीचर बनाया है, तो एक बात बताओ, अब यहाँ पर उसके जो गुड्स थे, ये गुड्स सेल नहीं हुए हैं, उसने अपने गुड्स को यूज कर लिया अपने ही ऑफिस में. तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है क्या, कि जब भी हमारे गुड्स बिजनेस से आउट होंगे किसी भी वजह से, अब ये एक तरीके से गुड्स तो रहे नहीं है ना, अगर उसने फर्नीचर में कन्वर्ट कर लिया तो गुड्स में से तो वो माइनस हो ही चुके. तो यहाँ पर हम देखो क्या एंट्री पास करेंगे, जब वो इस टिम्बर से फर्नीचर बना लेगा, तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये फिक्स्ड एसेट बन गया उसके लिए. तो फर्नीचर बिजनेस में एक तरीके से इन हुआ है, मतलब उसने, मतलब फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ है, ये भी मैं बोल सकती हूँ. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर मैं क्रेडिट क्या करूंगी, उसने अपने गुड्स को कन्वर्ट किया है फिक्स्ड एसेट्स में, तो गुड्स कम हो गए ना उसके, तो गुड्स कम हुए हैं सेल के अलावा किसी भी वजह से, तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट. तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जितनी भी वैल्यू का हमारा वो गुड्स कन्वर्ट हुआ था इनटू फिक्स्ड एसेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी एंट्री है. नॉर्मली हमें कई इस चीज में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अब हम यहाँ पर क्रेडिट क्या करें, अगर हमने फर्नीचर बना लिया तो हम क्या क्रेडिट करें. अब देखो, उसका टिम्बर जो गुड्स थे वो ही उसने कन्वर्ट कर दिया इंटू फिक्स्ड एसेट, तो इसलिए यहाँ पर हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. ये हमारे लिए बहुत अच्छी एंट्री है. कितनी वैल्यू थी उसकी, 5,000. कोई डाउट इस एंट्री में, ये थी हमारी 4 अप्रैल की एंट्री. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें. नेक्स्ट देखो हमारी है 5 अप्रैल को. 5 अप्रैल को लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारे गुड्स में आग लग गई और उसकी वजह से हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये एक तरीके का हमारे लिए लॉस है. हम सिंपल क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. लॉस है तो मैं सिंपल बता दूंगी कि लॉस हमारा हुआ है किस चीज से, फायर की वजह से. लॉस हमें अपनी बुक्स में डेबिट करना होता है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे गुड्स खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे परचेज की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, परचेज को डिक्रीज करके दिखाना पड़ेगा. तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है. तो कंसेप्ट हमारा वही है सेम, हमारे गुड्स किसी भी वजह से कम होते हैं, सेल के अलावा किसी और वजह से बिजनेस से गुड्स हमारे कम हो रहे हैं, तो हमेशा हमें परचेज अकाउंट क्रेडिट करना होगा. डेबिट क्या करना है वो हमारा डिपेंड करेगा कि क्या, किस चीज के लिए हमने उनको यूज किया है. समझ में आई ये एंट्री, यस और नो? यस मैम. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो पूरा ही क्वेश्चन हमारा गुड्स के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर हमारा गुड्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड में चलो, क्योंकि हमारा जर्नल एंट्री वाला चैप्टर अब तक हमारा मोर देन हाफ हो जाना चाहिए था, मतलब ऑलमोस्ट एंड होना चाहिए था चैप्टर का, लेकिन अभी हमारा शायद हाफ भी नहीं हुआ है, तो हम लोग स्लो चल रहे हैं इसमें.
लेकिन स्लो चल रहे हैं तो इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि स्लो चल के तुम्हें समझ में आना जरूरी है, ठीक है। मैम इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम रिवाइज करेंगे कि वाउचर्स वाला चैप्टर करेंगे? रिवीजन कर लेंगे पहले थोड़ा सा, क्योंकि जो टर्म वन का सिलेबस है ना उसमें आई थिंक लेजर्स तक ही है। अब वो डिपेंड करेगा तुम लोगों के स्कूल में किस हिसाब से उसको कराएंगे। जो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया है टर्म वन और टर्म टू में डिवाइड करके, वो उसमें कुछ मतलब हम उसमें काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम जितना हो गया उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। मतलब 4 या 5 क्लास अपनी रिविजन पे लगाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तुम क्या चाहते हो? नहीं मैं भी ऐसा रिवाइज ही चाहता था पहले। ठीक ठीक है, चलो। गुड्स लॉस्ट एंड ट्रांजिट। देखो गुड्स लॉस्ट एंड ट्रांजिट में क्या हुआ है कि हमारा ट्रांजिट मतलब रास्ते में, देखो क्या हो रहा था, हमारे गुड्स कहीं से आ रहे थे और वो रास्ते में ही लॉस हो गए हैं। लॉस किसी भी वजह से हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने थेफ्ट कर लिए हो, या हो सकता है कुछ लीकेज हो गई हो, कुछ अगर लिक्विड वाला आइटम था तो वो लीकेज हो गया है। मतलब ट्रांजिट में किसी भी वजह से, या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, इस वजह से वो गुड्स खराब हो गए हमारे, है ना। कुछ ऐसी चीजें थी कि रास्ते में आते आते हमारे गुड्स खराब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर इनको बोला गया है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। 2000 के गुड्स हमारे खराब हो गए हैं, ट्रांजिट में ही थे वो, तो हमारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? सिंपल, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा सा तुम्हें और आगे चल के और अच्छे से क्लियर करूंगी, ये ट्रांजिट का क्या कंसेप्ट होता है। अभी सिंपल बस ये हम एंट्री में, इसको डिटेल में इतना नहीं जाना चाह रही, सिंपल तुम एंट्री ही समझ लो। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसकी लिंकिंग में 3-4 तरीके की एंट्रीज हमारी और होती है, वहां से लिंकिंग करूंगी अगर तुम्हारे सिलेबस में वो चीजें आगे होंगी तो। क्योंकि थोड़ा सिलेबस कट भी हुआ है तो कुछ टाइप की एंट्रीज ऐसी भी हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं भी होंगी, तो देखते हैं अभी आगे, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में कंसेप्ट था गुड्स से रिलेटेड, तो कंसेप्ट आई थिंक तुम्हें क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स जो है वो है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो मैंने अभी तुम्हें एक डिफरेंस बताया था कि गुड्स में और फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है जब भी सेल करते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के केस में क्या होता है, जो जो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा है हम उसको उसके नाम से ही लिखते हैं। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो तुम्हें ध्यान होगा जो भी हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते थे हम उसका एक अलग से हेड क्रिएट करते थे। वो क्यों करते थे? वो सेम कंसेप्ट ही तो है। तुम जर्नल एंट्रीज को अकाउंटिंग इक्वेशन से इजीली लिंक कर सकते हो, और अकाउंटिंग, अगर किसी को जर्नल एंट्री का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो वो उसकी हेल्प से अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजीली कर सकता है। तो सभी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उसी के नाम से उसको डेबिट करेंगे, और जब हम इसको सेल करेंगे तो इसी नाम से हम इसको क्रेडिट करेंगे। मीन्स हम मशीन अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जबकि गुड्स के केस में बिल्कुल अलग होता है। तो हमें पहले गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू क्या, फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान से समझना प्लीज, क्योंकि आगे अब जो तुम्हारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके बाद वो सब मिक्स होंगे। जितना तुमने कर लिया है वो सबका मिक्सअप होगा, तो वहां पर एक तरीके का रिवीजन ही हो जाएगा। जितनी एंट्रीज हमने की हैं सब रिवाइज हो जाएंगी हमारी आगे की क्वेश्चंस। इसलिए मैं ये स्टार्टिंग के पूरे पूरे क्वेश्चंस तुम्हें करा रही हूँ, घर से एक भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। क्लास में अच्छे से करो। इसलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम अपना। 1 अप्रैल, समझ में आ रहा है ना सबको? मानसवी, सानवी, चलो देखो लिखा हुआ है क्या। फर्स्ट एंट्री हमारी लिखी हुई है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। अब देखो यहाँ पर ना फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा हमें समझाने की कोशिश की है। पहले मैं एक सिंपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लेते हैं हमने एक मशीन परचेज की थी, तो हम उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? हमने एक मशीन परचेज की है, मुझे उसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। मशीन परचेज इन कैश, हमने मशीन परचेज की है कैश में, 50,000 की मशीन थी हमारी, क्या जर्नल एंट्री होगी मोहित? मशीन अकाउंट टू डेबिट, हाँ ठीक है, टू कैश अकाउंट।
मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास मशीन आई है, फिक्स्ड एसेट इन हुआ है बिजनेस में, और व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो हम सिंपल ये एंट्री पास करेंगे। अब देखो क्या होता है, जो हमारे ये फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, इनमें ड्यूरिंग द ईयर कई बार हमें रिपेयरिंग करानी पड़ती है। तुम्हारे घर में भी कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे घर पर तुम यूज कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिपेयरिंग उनकी करानी पड़ती रहती है। मान लेते हैं एसी है, हमारे घर पे एसी है, तो तुम्हें पता है हर साल उसकी सर्विस होती होती है कुछ मंथ्स में या कुछ ईयर में, जैसे भी डिपेंड करता है क्या हमारे मतलब किस टाइप का है क्या है। तो या फिर कई बार अगर ये चीज खराब हो जाए तो हमें इसकी रिपेयरिंग भी करानी पड़ जाती है, है ना। तो हमें जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी रिपेयरिंग करानी पड़ती रहती है। अब देखो होता क्या है, मान लेते हैं ये एसेट मैंने परचेज किया था 1 अप्रैल को। कब परचेज किया था? 1 अप्रैल को। अब मुझे पूरे साल में मैं इसको यूज कर रही थी, तो एक बार मुझे पता चला कि 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी में मुझे इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ गई। क्या करानी पड़ गई? रिपेयरिंग। जब भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ एक्सपेंस करने पड़ जाते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो ये रिपेयर वाला हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारे लिए एक एक्सपेंस बन जाता है। तो जब देखो मैंने मान लेते हैं इस मशीन के ऊपर रिपेयरिंग कराई, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगी इस केस में? रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिपेयर हमारे लिए एक तरीके का क्या बन गया? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, या फिर हम इसको प्रॉपर क्लासिफाई भी कर सकते हैं, रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमने रिपेयर एक्सपेंसेस पे किए थे कैश में। मान लेते हैं हमें 5000 का रिपेयरिंग कराना पड़ा, तो यहां पर मैं क्या करूंगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट करूंगी और कैश अकाउंट क्रेडिट करूंगी। लेकिन एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर एक डिफरेंस तुम्हें समझाना है। जैसे ये रिपेयरिंग मैंने कब कराई थी? जब हमने मशीन परचेज की थी, वो कब की थी हमने? 1 अप्रैल को। लेकिन हमने रिपेयरिंग कब कराई है? 1 जनवरी को। देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम इस मशीन को खरीद के लाए, ठीक है, अब इस मशीन को जब हम परचेज करके लाए तो हमें इसे अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराना था। क्या कराना था? इंस्टॉलेशन कराना था मशीन का। तो जैसे इंस्टॉलेशन के लिए कई बार चार्जेस जाते हैं ना, तो एक चीज बताओ तुम प्रैक्टिकली सोचना उस चीज को। तुम कोई सामान खरीद के लाए, तुमने कुछ घर में एसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एसी परचेज किया, ठीक है। अब एसी लेके आए हम, उसको खुद से तो इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे, इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें बुलाना पड़ेगा। मान लेते हैं एसी की कॉस्ट थी 40,000। कितनी कॉस्ट थी एसी की? 40,000। और हमने जब उसको इंस्टॉल कराया तो हमसे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो लिए गए वो लिए गए कितने? 2,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने कितने पे किए? 2,000। तो तुम क्या बताओगे, तुम्हारे लिए जो एसी की कॉस्ट पड़ी है वो कितनी पड़ी? टोटल कॉस्ट तुम्हारे लिए 42,000 पड़ी। एक तरीके से तुम्हारे लिए तो वो एसी की वैल्यू 42,000 हो गई ना भाई। तुम 40 का लेके आए थे लेकिन 2,000 तुम्हें इंस्टॉल कराने के लिए भी तो देने पड़े, तो तुम्हारे लिए एसी की वैल्यू कितनी हो गई? 42,000। मींस जब तुम जर्नल एंट्री पास करोगे, मान लेते हैं तुम एसी लेकर आए थे 1 अप्रैल को और तुमने उसको 10 दिन बाद इंस्टॉल कराया, तुमने उसको इंस्टॉल कराया 10 अप्रैल को, तो तुमने इंस्टॉलेशन चार्जेस कब पे किए? 10 अप्रैल को। तो मुझे अब दो जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री तो मुझे एसी परचेज करने की करनी है, तो मैं एसी परचेज करने की क्या एंट्री पास करूंगी? 1 अप्रैल को एसी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने एसी परचेज कर लिया 40,000 का, टू कैश या बैंक, हमने बैंक से परचेज किया होगा, मींस चेक से पेमेंट की होगी या ऑनलाइन पेमेंट की होगी तो बैंक अकाउंट, कैश पे किया होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो जब ये 10 अप्रैल को मैं एंट्री पास करूंगी, यहां पर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किए हैं ये 2,000, ये भी मैं एसी की कॉस्ट में ही एड करूंगी। मीन्स मैं यहां पर इसके लिए भी कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो हमने 2,000 रुपीज इंस्टॉलेशन के पे किए हैं ये भी हमारे एसी की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। तो अगर मैं देखो दोनों एंट्रीज को कंपेयर करती हूँ, तो एसी एक बार मैंने 40,000 से डेबिट किया है और एक बार एसी को मैंने 2,000 से डेबिट किया है। मींस एसी का टोटल बैलेंस हमारे लिए कितना हो गया? 40 + 2,000, मींस हमारे लिए ये 42,000 का हो गया है। यानी कि
जो हमारे मशीन्स वगैरह पर या फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने में कुछ भी खर्चा आता है, चाहे वो हमने किसी को वेजेस ही पे क्यों ना की हो, मतलब क्वेश्चन में हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जहां भी तुम वेजेस देखते हो तुम्हारे माइंड में एकदम क्या आता है, वेजेस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग कोई खर्चा हुआ है, वेजेस हमने पे किए हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो हमें वो वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करना वहां पर, क्योंकि वो हमारे लिए अब एक्सपेंस नहीं है, वो हमारे लिए एक तरीके का फिक्स्ड एसेट ही बन गया है। मीन्स वो वाला खर्चा भी हम अपने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे और वहां पर भी हम उस फिक्स्ड एसेट को ही डेबिट करेंगे जिसके लिए हमने उसका इंस्टॉलेशन कराया था, यानी कि हमने एसी को इंस्टॉल कराया था, तो मुझे यहाँ पर एसी अकाउंट डेबिट करना है, ना कि वेजेस अकाउंट डेबिट करना है, या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से नहीं लिखना उसको, उसको मुझे एसी की कॉस्ट में ही ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ पर एक क्रक्स निकलता है क्या, कि जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, तो उसको परचेज करने के टाइम पर जो भी उससे रिलेटेड छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होते हैं ना हमारे, उनको हम एक्सपेंस के नाम से कभी भी डेबिट नहीं करते, उनको हम उस मशीन की कॉस्ट में, उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। मींस वो सारे खर्चे हमारे कौन से अकाउंट में चले जाएंगे, उस फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में। अब देखो, मान लेते हैं हमने फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा कराया है, हो सकता है उसको लाने के लिए भी खर्चा हुआ होगा, मतलब कैरिज, हमने उसके लिए कैरिज पे किया होगा, ठीक है, मतलब जिस मशीन किसी अगर ट्रक में आ रही थी तो ट्रक वाले को भी तो हमने कुछ पेमेंट किया होगा, फ्रेट वगैरह उसको कुछ तो पे किया होगा, तो जो हमने उसको फ्रेट पे किया वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। हो सकता है ये जो फिक्स्ड एसेट था ये सेकंड हैंड था, ये कैसा फिक्स्ड एसेट था, सेकंड हैंड। कई बार जो हम सेकंड हैंड आइटम लेते हैं हमें उसमें छोटा मोटा रिपेयर भी कराना पड़ जाता है उसको खरीदने के टाइम पर ही। ध्यान देना मैं क्या बात बोल रही हूँ, ये जो रिपेयर हमने कराया है, ये हमने रिपेयर कब कराया है मेरे एग्जांपल में, जब हमने उस मशीन को परचेज किया था। अगर मैंने कोई सेकंड हैंड फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो कई बार मुझे उसमें रिपेयरिंग भी करानी पड़ जाती है, तो ये जो रिपेयरिंग होगी ये मुझे कौन से अकाउंट में डालनी होगी, फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर देखो मैंने मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल को, लेकिन ये जो रिपेयरिंग थी ये एक रेगुलर नॉर्मल रिपेयरिंग थी जो कि हमें नॉर्मली सभी मशीन्स के लिए करानी पड़ती है। मैंने कई महीनों बाद जाकर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैंने परचेज करते टाइम ही या उसके बिल्कुल आसपास में मैंने ये रिपेयरिंग कराई है, वो तो हम मशीन को यूज कर रहे थे, तो यूज करने की वजह से वो मशीन थोड़ी खराब हुई इसलिए हमें रिपेयरिंग करानी पड़ी। तो यहाँ पर जो मैं रिपेयरिंग करा रही हूँ उसके लिए मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, रिपेयर अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर मैंने मशीन को खरीदते टाइम कुछ रिपेयरिंग कराई है तो उस केस में मैं रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं करूंगी, मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी, उस फिक्स्ड एसेट को ही डेबिट करूंगी। यहां पर भी मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी, उस फिक्स्ड एसेट को ही डेबिट करूंगी टू कैश अकाउंट, चाहे वो मेरा 1000 का खर्चा ही क्यों ना है, चाहे वो 200 रुपए का ही खर्चा क्यों ना है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने मशीन को परचेज करते टाइम कोई भी खर्चा किया है वो सारा मेरा खर्चा किस में जाएगा, सारा एक्सपेंस हम फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में ही डालेंगे। समझ में आया फिक्स्ड एसेट का कंसेप्ट? तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यही कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब देखो सारी एंट्रीज ध्यान से देखना, अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार, अब तुम यहाँ से लिंक कर पाओगे चीजें। देखो 1 अप्रैल को हमारी क्या ट्रांजेक्शन हमारी हुई है, 1 अप्रैल को लिखा हुआ है क्या, अब तुम्हें ये जर्नल एंट्री खुद से आ जाएंगी, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स, मशीन हमारे पास पहले से थी, हमने सिंपल उनकी रिपेयरिंग कराई है, तो यहां पर मैं रिपेयर अकाउंट में डालूंगी या फिर मशीन के अकाउंट में डालूंगी ये खर्चा, बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो रिपेयरिंग कराई है हमने वो कैसी रिपेयर कराई है, क्या ये मेरे लिए एक्सपेंस है या फिर मैं उस मशीन को डेबिट करूंगी, कौन से अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर, बोलो इस कंसेप्ट में क्या समझ में आया, मैंने इतनी देर से जो ये कंसेप्ट समझाया है इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि ये जो रिपेयरिंग है ये मशीन में जानी चाहिए या फिर मुझे रिपेयर अकाउंट डेबिट करना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें, अगर एग्जिस्टिंग मशीन थी उनकी हमने रिपेयरिंग कराई है तो, बताने वाला है क्या कोई, मानसवी, मोहित, सानवी, कोई भी,
आवाज नहीं आई मुझे सानवी, क्या बोला तुमने? हाँ मेरे माइक में कोई इश्यू है क्या? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ मेरा। हेलो एम आई ऑडिबल? मानस एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके हाँ, तो मैं यहाँ पर कुछ पूछ रही थी कि रिपेयरिंग जो हमें करानी है, मानस भी बताओ, वो हमारा रिपेयरिंग अकाउंट में जाएगा या फिर मशीन अकाउंट में जाना चाहिए इस क्वेश्चन में हमारा? ये मशीन अकाउंट। यहाँ पर देखो, हमने जो रिपेयरिंग कराई है ना, वो एग्जिस्टिंग मशीन्स की कराई है, मींस मशीन्स तो हमारे पास पहले से थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नॉर्मल रिपेयरिंग है, तो हमें यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? रिपेयर अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट में हम उसको जब डालेंगे, जब हमने वो मशीन को परचेज करते टाइम ही रिपेयर कराया होगा। तो यहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग मशीन थी, इसलिए हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने पे किया था अमाउंट किस चीज के लिए? रिपेयरिंग के लिए। तो सिंपली हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज में रिपेयर में डालूंगी। क्लियर है? यस मैम। सानवी अच्छा आउट हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 अप्रैल को लिखा है क्या? 2 अप्रैल को लिखा है परचेज अ न्यू मशीनरी। अब देखो यहाँ तो सिंपल हमें न्यू मशीन परचेज करने की एंट्री करनी है। मोहित बताओ क्या एंट्री होगी जब हम मशीन परचेज करेंगे? मशीन परचेज करने की क्या एंट्री होगी मोहित? सानवी सॉरी मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके चलो, मैंने यहाँ पर देखो फर्स्ट एंट्री बताई है। यहाँ पर मैंने बताया कि जब हम मशीन एग्जिस्टिंग मशीन्स पर अगर कुछ रिपेयरिंग का एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा? रिपेयर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन रिपेयर है हमारा, ठीक है? तो ये एग्जिस्टिंग मशीन्स थी, मशीन्स हमारे पास पहले से थी, हमने एक नॉर्मल रिपेयरिंग कराई है। जब हम यूज करते हैं तो कोई चीज खराब होगी ही, तो हमें रिपेयरिंग करानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस के नाम से डेबिट करेंगे, ना कि फिक्स्ड एसेट के नाम से, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिपेयरिंग थी। हमें यहाँ से कैसे पता चला ये चीज? क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग मशीन्स पर रिपेयर कराया था। नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज अ न्यू मशीनरी। बताओ न्यू मशीन परचेज करने की क्या जर्नल एंट्री होगी? कोई भी बोल दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने मशीन परचेज की है, तो मशीन हमारे पास आई है, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश हमने पे किया होगा, क्योंकि कोई पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 42,500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। अब देखो फ्रेट एंड कैरेज का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था कि जब कोई मशीन आई है तो वो किसी ट्रक में या किसी भी चीज में वो आ रही होगी, तो हमें उस पर्सन को फ्रेट या कैरेज पे करना पड़ा होगा, मतलब उसका किराया देना पड़ा होगा सामान, मतलब मशीन को लेकर आने का। तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि तुमने ये परचेज करने के टाइम पर किया है, ये तुम्हें खुद से समझना है। क्योंकि अब एक बात बताओ, मशीन के लिए हम फ्रेट एंड कैरेज पे कर रहे हैं, तो घर पे रखी हुई मशीन के लिए तो पे नहीं करेंगे। वो मशीन हमारे पास आई होगी, जब हमने परचेज की होगी तो वो कहीं से आई होगी, उसके लिए ही तो ये पेमेंट हुई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मशीन हमने परचेज करते टाइम ये खर्चा किया था, तो यहाँ पर जो फ्रेट और कैरेज हम पे कर रहे हैं उसको फ्रेट एंड कैरेज के अकाउंट से डेबिट नहीं करेंगे। हम कौन से अकाउंट में डालेंगे उसको? मशीनरी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में डालेंगे हम इस खर्चे को? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये होता नॉर्मल खर्चा, मशीन के ऊपर नहीं होता कोई और, मतलब हम गुड्स के लिए हम ये पेमेंट कर रहे होते,
मशीन फिक्स्ड एसेट के लिए ना करके ये हम फ्रेट और कैरेज गुड्स के लिए कर रहे होते, तो हम यहाँ पर फ्रेट एंड कैरेज अकाउंट डेबिट करते, फिर हम उस एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो मशीन्स फिक्स्ड एसेट के ऊपर अगर कुछ खर्चा होता है तो वो फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में जाता है अगर वो एट द टाइम ऑफ परचेज किया जाता है तो। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो क्या है, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को लिखा है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। अब देखो मशीन हमने इंस्टॉल कराई है तो न्यू मशीनरी ही होगी, तभी तो हम उसको इंस्टॉल करा रहे हैं, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर भी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री होगी हमारी। हम इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, हम कौन से अकाउंट में डालेंगे इस खर्चे को भी, मशीन अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन हम नॉर्मली कब कराते हैं, जब हमने परचेज की होगी मशीनरी। तो मशीन को परचेज करने के टाइम पर कोई भी खर्चा होता है तो वो हमारा सब किस में चला जाता है, मशीन अकाउंट में चला जाता है। फिफ्थ अप्रैल को देखो लिखा हुआ है परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। अब देखो हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, सिंपल मशीन परचेज करने की एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको यहाँ पर सेकेंड हैंड मशीन के नाम से नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे हम मशीन अकाउंट। हमने देखो सारी एंट्रीज हमारी सेम हो रही है, बस फर्स्ट एंट्री हमारी थी जो कि हमने रिपेयर अकाउंट डेबिट किया था, सब में मशीन अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। देख रहे हो तुम, सारी एंट्रीज सेम है हमारी यहाँ पर। ये इन्होंने सारी हर टाइप की ट्रांजेक्शन यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ये पता है इस बार ही इन्होंने क्वेश्चंस इस तरीके से बनाया, अभी तक के जो बुक में क्वेश्चंस थे वो इस टाइप से होते ही नहीं थे, मिक्सअप होती थी ट्रांजेक्शन। इस बार लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं कि एक एक कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने ट्रांजेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है, सारी टाइप की ट्रांजेक्शन यहाँ पर कवर हो गई। 6 अप्रैल को देखो लिखा हुआ है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, मतलब ये जो हमने 5 अप्रैल को मशीन परचेज की थी ना इसके ऊपर रिपेयर कराया है। तो यहाँ पर तुम्हें समझना है ये मशीन हमारी देखो सेकेंड हैंड मशीन थी, कैसी मशीन थी ये, सेकेंड हैंड मशीन थी। तो अगर एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है, 5 अप्रैल को हमने परचेज की है, 6 अप्रैल को हमने उसके ऊपर रिपेयरिंग कराया है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेकेंड हैंड मशीन थी, 5 अप्रैल को परचेज की है, 6 अप्रैल को इस मशीन की हमने रिपेयरिंग कराई है, तो क्या मैं रिपेयर अकाउंट डेबिट करूंगी या फिर मशीन अकाउंट डेबिट करूंगी, बोलो क्या होना चाहिए? मशीन अकाउंट, ठीक है। तो अगर ये रिपेयर हमारा होता नॉर्मल, जैसे कि फर्स्ट एंट्री में लिखा था रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, तो हमने वहां पर रिपेयर अकाउंट डेबिट किया था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, मशीन अकाउंट डेबिट किया है, क्योंकि ये मशीन हमारी सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर रिपेयर कराया गया था, वो भी एट द टाइम ऑफ परचेज। 5th को हमने खरीदी है, 6th को हमने रिपेयरिंग कराई है, तो हमने ये जो हमारी रिपेयरिंग है ये मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। फिर तुमने अगर कोई सेकेंड हैंड आइटम लिया, हमने किसी का सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज कर लिया और मुझे उसमें थोड़ा सा ठीक कराना पड़ा, मान लेते हैं मैंने किसी का 5000 का फोन लिया है, ठीक है, और मेरा उसमें 1000 रिपेयरिंग का गया है, तो मैं किसी को क्या बताऊंगी मैंने 5000 में खरीदा है ये फोन, या मेरे लिए इसकी कॉस्ट अब 6000 हो गई है, 6000 ही तो बोलोगे। अगर मैंने किसी से 5000 का एक सेकेंड हैंड आइटम लेकर 1000 उसकी रिपेयरिंग में खर्च कर दिया, तो मेरे लिए तो वो आइटम 6000 का हो गया ना। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमने एक मशीन खरीदी थी 5000 की और 2500 हमने उसकी रिपेयरिंग में खर्च किया है, तो उसको हम रिपेयर के नाम से नहीं बोलेंगे, उसको मैं मशीन के अकाउंट में ही डेबिट करूंगी, मेरे लिए मशीन की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, समझ रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट किया है। या फिर मैंने अगर यहाँ पर कैरेज पे किया था, कैरेज भी हमारा मशीन के अकाउंट में जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं तो वो भी मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे, मशीन परचेज करने के टाइम पर तो मशीन को हमें डेबिट करना ही है, और फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन थी रिपेयर से रिलेटेड जो कि एग्जिस्टिंग मशीनरी पर हुई थी, तो ये एक रेगुलर रूटीन नेचर की रिपेयर होती है हमारी, तो इसलिए हम इसको रिपेयर अकाउंट में डालेंगे, ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है यहाँ पर, और एक्सपेंसेस के अकाउंट भी डेबिट होते हैं, ठीक है, तो हम उसको उसके एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे। तुम्हें काफी कंसेप्ट आई थिंक पीछे की एंट्रीज भी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से सारे कंसेप्ट समझ रहे हो तो।
समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? हाँ भाई बोलो यस और नो। अपने टेस्ट जिन लोगों का भी मान सान सानवी और मोहित तुम लोगों के टेस्ट में तो जर्नल भी आ रहा है, तो प्लीज इसको इतना लाइटली मत लेना। तुम लोग तो और अच्छे से इसको रिवीजन की तरह ही लेकर चल रहे हो कि तुम्हें इस चैप्टर को अलग से रिवाइज ना करना पड़े। इसके अलावा बाकी चैप्टर रिवाइज करो, ये चैप्टर तुम्हारा क्लास में हो रहा है तो क्लास में उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट एंट्रीज, और उसके बाद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड, तो ये दोनों क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले जो आगे के मिसलिनियस क्वेश्चन है हम इनको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ना और भी नए कंसेप्ट आ जाएंगे, और वो और नए कंसेप्ट भी अभी मैंने बताए तो तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो हमने किया है उनसे रिलेटेड मिसलिनियस क्वेश्चंस करते हैं एक बार। तुम लोग प्लीज मुझे एंट्री बताना, ट्राई करना कि तुम लोग कर पाओ, ठीक है? मिसलिनियस में देखो क्वेश्चन नंबर 12, मिसलिनियस क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? तुम लोग अपनी बुक्स ओपन करके रखते हो ना, फर्स्ट अप्रैल को देखो लिखा हुआ है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन कवर की है ना, जितनी भी हमने जर्नल एंट्री की है, वो सब यहाँ पर मिक्सअप होके आएंगी, ठीक है? तो देखो ध्यान से देखना, कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश, बोलो क्या एंट्री होगी? बताते चलना सभी लोग। मानस भी चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बिजनेस में कैश आया है तो इसलिए हमने कैश को डेबिट किया। ओनर यहाँ पर गिवर है तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ओनर का नाम बुक्स में कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट के नाम से हम उसको लिखते हैं, ठीक है? ये ट्रांजेक्शन तो अगर तुम्हारी एग्जाम में एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री का आना है, और अगर एक क्वेश्चन में 5 या 6 तुम्हें ट्रांजेक्शन मिलेगी, तो एक ट्रांजेक्शन ये तो कन्फर्म है, ये तो आएगी ही आएगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तुम्हें यही मिलेगी अपने क्वेश्चंस में भी, एग्जाम की क्वेश्चन में भी। इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से देखो यहाँ पर सारी एंट्रीज, इसमें से ही तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में अपना, ठीक है? 2 अप्रैल को देखो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, पेड इनटू बैंक, मतलब हमने एक तरीके से बैंक में डिपॉजिट किया है। मोहित पेड इनटू बैंक, हमने यहाँ पर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। बोलो मोहित, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है एक तरीके से, क्या एंट्री होगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और बाकी लोग भी सोचकर रखो, और जो लोग कर रहे हैं अगर तुम लोगों को आ रही है तो आगे की ट्रांजेक्शंस अपनी सॉल्व करते हुए चलो, यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना बस। हाँ भाई मोहित, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतने टाइम की एंट्री नहीं है ये, सिंपल एंट्री है बिल्कुल। मोहित तुम मुझे सुन रहे हो क्या? मोहित यस और नो कुछ तो बोलो, तुम क्लास में ही हो, वीडियो ऑन करो, अपनी कैमरा ऑन करो। इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सानवी चलो तुम बताओ, पता नहीं क्लास में है या कहीं और है। सानवी पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है? जो जो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? 20K। नेक्स्ट बोर्ड गुड्स फॉर कैश 3 अप्रैल, हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। बोलो मानसवी, मोहित तो आउट हो गया, शायद उसका नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। मानसवी बोर्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
ये छोटी छोटी एंट्रीज तो बहुत सिंपल लगेंगी जब हमने अलग टाइप की थोड़ी और एडवांस लेवल की कर ली है। तो 4 अप्रैल को देखो लिखा हुआ है ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। सानवी इस बार हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। मैम एक बार रिपीट करिए, आपने क्या बोला? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है इस बार। जैसे हमने सेकेंड एंट्री में तो डिपॉजिट किया था बैंक में, इस बार तो हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। कैश हाँ हाँ अकाउंट तैयार होगा और क्रेडिट अकाउंट, सॉरी बैंक बैंक अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि इस बार ऑफिस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस का कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया है और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो जो चीज हमारी इंक्रीज हुई है, जो एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसको डेबिट कर देते हैं और जो डिक्रीज हुआ है उसको क्रेडिट कर देते हैं। मोहित अभी ठीक है? तुम्हारा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। यस मैम। हाँ तो चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तुम्हारी है 13 अप्रैल की। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने कृष्णा को गुड्स सेल किए हैं। पार्टी का नाम दिया हुआ है, इट मींस यहाँ पर ये क्रेडिट सेल है हमारी, उधार में हमने सेल किया है। क्योंकि कुछ नहीं बताया कैश है या क्रेडिट है, तो अगर पार्टी का नाम गिवन होता है तो हम उसको क्रेडिट सेल मानते हैं। तो बताओ क्या एंट्री होगी? मैम सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट क्या, डेबिट या क्रेडिट? अरे माइक, अपने अपने आप को अनम्यूट तो मैम करो। क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? कृष्णा सा अकाउंट। कृष्णा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कृष्णा रिसीवर है ना। यहाँ पर अगर ये कैश में सेल होते गुड्स तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फिर कैश व्हाट कम्स इन हमारे लिए रियल अकाउंट का रूल लग जाता। मतलब हमें ये देखना होता है अकाउंट हमारा कौन से, जो हमारा अकाउंट यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं वो किस में क्लासिफाई हो रहा है, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में, या फिर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सोच सकते हो। मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो वहां पर हम इंक्रीज और डिक्रीज वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। ज्यादातर लोग वैसे ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं क्योंकि वहां पर ना क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होती है। जो ज्यादा चलता आ रहा है वो ट्रेडिशनल ही चल रहा है हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 20 अप्रैल। मानसवी बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। देखो अब तुम्हें ना ट्रांजेक्शन पढ़ के ही एंट्री एकदम समझ में आ जाती होगी, यहाँ पर अब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने देखो श्याम से गुड्स परचेज किए तो पार्टी का नाम ही हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है क्योंकि ये हमारी क्रेडिट परचेज हो गई है एक तरीके से। अगर ये कैश परचेज होती तो श्याम की जगह कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाता? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता। ठीक है, यानी कि परचेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो से क्रेडिट वाले आइटम पर ही इफेक्ट पड़ जाता है जब हमारा कैश या क्रेडिट का होता है। तो 22 अप्रैल को देखो लिखा हुआ है कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा को हमने देखो सेल्स किया था, कृष्णा को हमने सेल किए थे गुड्स, अब हमें क्या किया है, कृष्णा ने गुड्स वापस कर दिए हैं। 22 अप्रैल की एंट्री, मतलब एक तरीके से ये हमारी सेल्स रिटर्न है। ये जो हमने सेल्स की थी ना 13 अप्रैल को, ये गुड्स इसने हमें वापस कर दिए हैं। इसमें से कितनी वैल्यू के गुड्स? 2000 के गुड्स, तो 15 में से 2000, मतलब सेल्स रिटर्न है एक तरीके से। तो हमें क्या करना होगा बोलो? कौन बता रहा है? किसका टर्न है? सानवी का। सानवी हमें ये सेल्स रिटर्न हुई है, तो मैंने सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री बताई थी, क्या एंट्रीज थी, क्या करना होता है हमें? चलो जिसको भी आता है वो बता दो, कोई नाम लेके ही नहीं पूछ रही हूँ। तीनों में से जिसे भी आता है वही बता दो। सेल्स रिटर्न है हो गई है हमारी, मतलब कृष्णा ने ये गुड्स वापस कर दिए, तो क्या एंट्री होगी हमारी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। देखो सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमारा इसलिए डेबिट हो जाएगा। सिंपल, हमें इस एंट्री का रिवर्सल करना है, बस यहाँ पर सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना है और कृष्णा को हम क्या कर देंगे,
क्रेडिट कर देंगे एक तरीके से, कृष्णा गीवर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कृष्णा का बैलेंस हमारे बुक्स से डिक्रीज भी हो रहा है, हम उस पॉइंट से भी समझ सकते हैं। तो कृष्णा एक तरीके से यहाँ पर गीवर भी हो गया और कृष्णा का बैलेंस डिक्रीज भी हो रहा है, हमारे जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 2000 से, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है, समझ में आई है एंट्री सभी को। नेक्स्ट हमारी है देखो 24 अप्रैल की, अच्छी एंट्री है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। देखो हमें कृष्णा से 12,500 रुपीज रिसीव हुए हैं और हमने उसको 500 का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। कृष्णा देखो हमारा डेटर था यहाँ पर, देख के ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो कृष्णा से एक तरीके से हमें 13,000 रुपीज लेने थे, क्योंकि देखो हमने उसको 15 के सेल किए हैं, 2000 का उसने हमें वापस कर दिया, तो बैलेंस बचा कितना 13। लिंक भी कर सकते हैं हम, बाकी लिंकिंग की भी जरूरत नहीं है, तुम इंडिविजुअली भी सोच के बता सकते हो। अब हमें यहाँ पर देखो उससे 12,500 रुपीज रिसीव हो गए हैं और बाकी का 500 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो ये डिस्काउंट वाली एंट्री है, थोड़ा सा सोच के बताना क्या क्या हमारे यहाँ पर अकाउंट डेबिट होंगे, कौन से अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। कौन ट्राई कर रहा है, मोहित ट्राई करोगे क्या? ये डिस्काउंट वाली एंट्री है, अगर तुम्हारे 6 क्वेश्चन आएंगे ना, 6 ट्रांजेक्शन आएंगे, तो 1 ट्रांजेक्शन पक्का डिस्काउंट की जरूर आएगी, ध्यान रखना, ध्यान से समझ लो। इसलिए ने बोलो, कौन ट्राई कर रहा है भाई, कुछ तो बोलो, डेबिट क्रेडिट कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से क्या रिसीव होगा, जब सिंपल लिखा होता है तो मतलब कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। रिसीव या पे करने की बात आएगी ना जब, तो कैश मानकर चला करो कि वो कैश रिसीव हुआ है या कैश पे हुआ है। यहाँ पर लिखा है रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें रिसीव हुआ है, तो क्या रिसीव हुआ है देखो, कैश रिसीव, तो कैश अकाउंट हमारे पास, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश हमारे पास आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आए हैं हमारे पास 12,500। अब देखो हमने कृष्णा को डिस्काउंट अलाउ किया है 500 का, जब हम सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा एक तरीके का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, लॉस है ना ये एक तरीके से हमारे लिए भी, हमें 500 रुपए कम मिल रहे हैं, हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ये जो डिस्काउंट होता है ना हमारा, ये कैश डिस्काउंट होता है नॉर्मली, और कृष्णा के अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कृष्णा यहाँ पर गीवर है, कृष्णा के अकाउंट पूरा 13,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि कृष्णा ने हमें भले ही 12,500 दिए हैं, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो पूरा 13,000 से सेटल हुआ है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। समझ में आई ये एंट्री, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मोहित, सानवी, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो यहाँ पर जो ये डिस्काउंट था, ये हमने अलाउ किया था, इसलिए ये हमारे लिए लॉस था, और लॉसेस के अकाउंट डेबिट होते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होती है, वहां पर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होता है, जब हमें डिस्काउंट मिलता है, मीन्स हम जब किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता भी है। तो 28 अप्रैल की जो एंट्री है वो कुछ ऐसी ही है, तो बोलो कौन ट्राई कर रहा है। पेड कैश टू श्याम, देखो श्याम से हमने ऊपर गुड्स परचेज किए थे, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट किया हमने उसको 21,500 और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,000 का। देखो हमने 21,500 पेमेंट किया श्याम को और हमें 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बताओ इस बार क्या एंट्री होगी हमारी। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, देखो श्याम अकाउंट डेबिट, क्योंकि श्याम यहाँ पर रिसीवर है भाई, हमने उसको पेमेंट किया तो श्याम ने हमसे गुड्स रिसीव किए हैं, गुड्स नहीं पेमेंट रिसीव की है कैश। तो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर श्याम को कितना डेबिट करना है टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे कर रहे हैं हम 21,500 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है। तो हमने देखो टोटल कितना सेटलमेंट कर दिया उससे 22,500 का। देखो श्याम से, अब देखो दोनों ही एंट्रीज को कंपेयर करो,
एक में तो हमें पेमेंट रिसीव हुआ था, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था, इस बार हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, इस बार हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये हमारे लिए इनकम है। तो दोनों ही टाइप की एंट्रीज तुम्हें आनी चाहिए, यहाँ पर कैश रिसीव हुआ था, यहाँ पर हमने कैश पे किया है। कंपेयर करो दोनों एंट्रीज, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट है सिंपल एक ही हमारा, लॉसेस के अकाउंट डेबिट करने हैं, इनकम का अकाउंट क्रेडिट करना है। कैश जब हमें रिसीव हुआ था तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया, जब हमने कैश पे किया तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। यहाँ ऊपर वाली एंट्री में कृष्णा रिसीवर था क्योंकि हमने, सॉरी कृष्णा गीवर था, उसने हमें पैसे दिए थे। और नीचे 28 अप्रैल वाली एंट्री में श्याम रिसीवर है क्योंकि हमने उसको पैसे दिए हैं इस बार। तो तुम्हें सारी ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा थर्टी अप्रैल को लिखा हुआ है, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन राकेश एंड मयंक। अब देखो हमने सोल्ड किया है फॉर कैश, मतलब हमने अगर लिखा है ना सिंपल सोल्ड फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स से सेल किए हैं, हमने क्या सेल किया है, गुड्स से सेल किए हैं। अब देखो जब हम कैश में सेल करते हैं तो हमने किसी भी पार्टी को सेल किए होंगे, हम अपनी बुक्स में उसका नाम नहीं लिखते। अगर हमने कैश में सेल किए हैं तो हम सिंपल क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो तीन बंदों के नाम दिए हुए हैं तो हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने गुड्स कैश में सेल किए हैं तो सिंपल हम सेल की एंट्री पास करेंगे गुड्स सेल करने की कैश में, तो बिल्कुल सिंपल हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? 80,000, तीन पार्टी का नाम दिया हुआ है, तीन जनों को हमने गुड्स सेल किए हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं है, तीन का नाम दिया हो या 10 का नाम दिया हुआ है, अगर कैश में सेल किए हैं तो हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है? 30 अप्रैल को देखो एक और हमारी लिखी हुई है, पेड रेंट, हमने रेंट पे किया, तो बताओ क्या एंट्री होगी रेंट पे करने की, सिंपल है बिल्कुल, हमको ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट अपना क्रेडिट कर देंगे। कितना है हमारा 5,000। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी, इस बार हमने सैलरी पे की है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें हमारी दो एंट्रीज डिस्काउंट वाली थी जो थोड़ी सी अच्छी थी, बाकी हमारी सारी एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल थी। तो आगे देखो जो भी क्वेश्चन है सब मिक्सअप हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम आगे के एटलीस्ट टू क्वेश्चन ट्राई करके लाओगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इज योर होमवर्क, ठीक है? अभी क्लास एंड करते हैं यहीं पर, 13 और 14 होमवर्क है। सानवी और मोहित तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम बता दो कि क्लास हम मॉर्निंग में तो कोई टाइम फिर रख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि तुम लोगों का अगर मतलब मैम कल 4 बजे चलेगा? नहीं, 4 बजे तो मेरी क्लास होती है ना, एक्चुअली 12th की क्लास होती है मेरी। मैम 2 बजे रख लो कल। हाँ ऐसा कर सकते हैं, अपनी क्लास के ओके पहले मैम, रख लेते हैं, ठीक है? 2 बजे, ठीक है, 2 PM हम लोग कल रख लेते हैं, और तुम्हारा 1 आवर में या जितना भी टाइम लगेगा हम उसको क्लियर कर लेंगे, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से मैं बस जरूरी जरूरी कराऊंगी, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है? ठीक ओके ठीक है, चलो प्लीज आगे के 2 क्वेश्चंस टाइम निकाल कर ट्राई जरूर करना, है मैम, ठीक है? चलो बाय बाय। थैंक यू मैम।